जबान खामोश कर दो। महामंत्री, फरियादी को हमारे पास आने से रोका क्यों जा रहा है? हर आदमी को मुंह लगाना महाराज की शान के खिलाफ है। महाराज, राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे का होता है। शेर खान, महाराज फरियादी को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। कहो फरियादी। महाराज, इस साल बरखा नहीं हुई, सब तरफ सूखा पड़ गया, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इस आपत्ति में इस सरकार ने लगान माफ करने की बजाय लगान और बढ़वा दिया है। महामंत्री, हम ये क्या सुन रहे हैं? हमने तो हुक्म दे रखा है कि सरकारी खजानों के मुंह खोल दिए जाएं और सरकारी गोदामों में जितना अनाज है प्रजा में बांट दिया जाए। हमारे हुक्म की तामील हो। आपके हुक्म की तामील नहीं होगी। अगर अनाज जनता में बांट दिया गया तो देश की सेना भूखी मर जाएगी, और अगर सेना भूखी मर गई तो देश की रक्षा कौन करेगा? सेनापति, देश मिट्टी के टुकड़े का नाम नहीं होता। देश जीती जागती जनता से बनता है, और अगर जनता न रही तो सेना रक्षा किसकी करेगी? महाराज, ये राजनीति के विरुद्ध है। राज जज्बात से नहीं तलवार के जोर पर चलता है, और तलवार सेना के हाथ में है। महाराज, तुम्हारी ये जुरत, तुम हमारे ही सामने म्यान से तलवार निकालो, इसका मतलब? इसका मतलब साफ है महाराज, ये राजपूत की तलवार है। जब एक बार म्यान से निकलती है तो किसी के खून से अपनी प्यास बुझाने के बाद म्यान में वापस जाती है। महाराज, ये रोने का वक्त नहीं है। वो कातिल राजकुमार की तलाश में इधर ही आ रहा है ताकि तख्त का कोई वारिस न रहे। मेरा बच्चा, रानी माँ, महारानी और बच्चे को घेर के मार दो। तख्त का कोई वारिस जिंदा नहीं रहना चाहिए। हिम्मत से काम लीजिए, ये महाराज की इकलौती निशानी को बचाने का वक्त है। चारों तरफ से घेर लो, कोई बच के भाग ना पाए। देखिए, गणेश जी का मंदिर है, क्यों तो राजकुमार को यही छुपा दे। हाँ रानी माँ, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तख्त के वारिस से जिंदा रहना जरूरी है रानी माँ, खुदा मेरी बात मानिए। आइए 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 रानी माँ। इस टोकरी में छुपा देता हूं। घबराई नहीं रानी माँ, अल्लाह निगेबान है, अब तू ही मुहाफिज है हमारे राजकुमार का। मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु। रानी माँ, आप इधर से जाइए, मैं उधर से जाता हूँ, ये लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, मंदिर में मिलेंगे। फी अमान अल्लाह। सरदार, घोड़ा खाली है। एक ही गोली में मर गए दोनों, राजकुमार और रानी।
गणपति महाराज की जय। जय जय गणेश। मन की इच्छा पूरी करो महाराज। जय जय श्री गणेश। मेरे मन की इच्छा पूरी करो। अरे अरे सरकार, ये बच्चा बच्चा, अरे देखो तो। अरे ये टोकरी में बच्चा कहाँ से आ गया? हाय कितना प्यारा है। हाँ प्यारा तो है, लेकिन इसका कोई होना भी तो चाहिए। आओ जरा बाहर चलकर देखते हैं। ये बच्चा किसका है? अरे भाई कोई है यहाँ? चुप भी रहो। ये बच्चा किसका है? अरे आप चुप भी रहो, जंगल में कौन सुनेगा तुम्हारी। ये बच्चा किसका है? बच्चा किसका है? पुकारे जा रहे हो? अरे कब से भगवान की पूजा कर रही हूँ, ये बच्चा मेरा है, भगवान ने मुझे दिया है। अरे ये देखो, ये इसकी निशानी है। निशानी? हाँ। रखे रहो तुम्हारे। ये देखो। रानी माँ, राजकुमार यहाँ नहीं है। क्या? नहीं, नहीं। कहाँ है मेरा लाल, मेरा बच्चा? नहीं, नहीं, नहीं। दो मेरा बच्चा मुझे दो। सब्र कीजिए रानी माँ, सब्र कीजिए। हमारे राजकुमार कहीं खो नहीं गए हैं। खुदावंत ताला ने उन्हें जरूर किसी नेक बंदे की हिफाजत में भेज दिया है। देखिए देखिए रानी माँ, ये पूजा के ताजा फूल देखिए। अगर हमारे राजकुमार हिफाजत से ना होते तो इन ताजा फूलों के बजाय यहाँ खून के छींटे होते। मेरी बात का यकीन कीजिए, जरूर कोई भगत यहाँ आया होगा, ये ताजा फूल चढ़ाकर गया होगा, बच्चे को ले गया होगा। मेरा यकीन कीजिए, खुदा इतना बेइंसाफ नहीं हो सकता, वो रहीम व गफूर है। जी जी कर ले बेटा। अरे भाई ये सरदार को बच्चा कहाँ मिला? गणेश जी के मंदिर से, बस कृपा हो गई। देखो इसे, पहचान लो, मेरे बाद ये होने वाला है कबीले का सरदार। छोटे सरदार की जय। छोटे सरदार की जय। छोटे सरदार की जय। आ गया ज्वाला, आ गया। बता बता संतोनी माँ, मेरे बेटे का भविष्य क्या है? जाग ज्वाला जाग, जाग ज्वाला, खोल दे ताला, आकाश की खबर ला, कहाँ से आया, क्यों आया? सूरज सूरज, तेरा बेटा सूरज है, जिस दिन बड़ा होगा सारी दुनिया सर झुकाएगी। लेकिन तू जिंदा नहीं रहेगा, वो दिन देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, हर इंसान को मरना तो है ही, मेरे बेटे का भविष्य तो उज्जवल है। सरकार, रानी और राजकुमार दोनों मरे गए। महाराज दुर्जन सिंह की जय हो। हम आपके वफादार जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपके सामने ऐब करते हैं कि आपकी शहादत का बदला दुश्मन से जरूर लिया जाएगा, और जब तक हम आपके वारिस राजकुमार को तलाश करके तख्त पर नहीं बिठा लेंगे, तब तक रानी माँ की रहनुमाई में आपके अजीज जनता पर होने वाले जुल्म और सितम का डटकर मुकाबला करेंगे, ताकि जनता के दिलों में बगावत का शोला हमेशा भड़कता रहे। हम राज के बागी हैं और बगावत हमारा फर्ज है। ये हाथी राजकुमार की सवारी के लिए अच्छा है, पकड़ लो इसे। अरे अरे क्यों पकड़ लो इसे, ये हाथी हमारा है। अबे महाराज का हुक्म है, समझे? ये मोती मेरा है, मैं किसे नहीं हाथ लगाने दूंगा। अरे कैसे नहीं देगा, हट जा सामने से। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। बाबा, 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 बाबा। देखो विक्रम बेटे, आपकी सवारी के लिए हाथी आया। देखा पटना, हमारे लिए हाथी आया, आपके लिए तो गधा भी नहीं आया। शेर खान। जी रानी माँ। आज वो बच्चा जब हमारे सामने आया तो। जी। अब तो ये हाल हो गया है कि हर बच्चा अपना ही बच्चा नजर आता है।
मैंने तुम्हारे हवाले किया था अपने बेटे को, तुम्हें उसे लौटाना होगा। कब तक दया नहीं करोगे भगवान? बेटे का मुंह देखने की तमन्ना में कितने साल गुजर गए, जाने कहां होगा मेरा लाल। ये कैसा न्याय है तेरा? जिस सिंहासन पर मेरे बेटे को बैठना चाहिए था, उस सिंहासन पे आज भी कोई पापी बैठा राज कर रहा है। मैं बेटा महाराज पर लोग सिधार गए, आज सूर्यगढ़ का सूर्य अस्त हो गया। एक और सूर्यास्त होता है तो दूसरी ओर उदय होता है। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। रानी मां की जय हो। कहो शेर खान, शहर से क्या खबर लाए हो? रानी मां, दुर्जन सिंह की मौत के बाद उसके बेटे विक्रम सिंह की ताजपोशी हो चुकी है, मगर प्रजा सुखी होने के बजाय और दुखी हो गई है। बेटा तो बाप से भी ज्यादा जालिम निकला रानी मां। मगर प्रजा का रवैया क्या है शेर खान? जुल्म की तलवार ने उनकी जबानें बंद कर रखी हैं रानी मां। काश हम दुखी प्रजा को यह बता सकते कि उनकी महारानी और राजकुमार जिंदा है। मगर उनका राजकुमार है कहां? इसका जवाब उन्हें कौन देगा? होशियार, खबरदार, राजकुमारी पद्मावती की शाही सवारी आ रही है, इसलिए चौक बाजार सब खाली कर दिए जाए। अरे भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ? सुना नहीं राजकुमारी की सवारी आ रही है? पहले तो भाग जाओ। अगर कोई राजकुमारी को देखना चाहे तो उसकी आंखें निकाल ली जाती है। अमर चल, मरने का इरादा है क्या? नहीं, राजकुमारी को देखने का इरादा है। चलो बारी बग्गी में है। मैंने तो सोचा था आप बहुत बदसूरत होंगी, इसलिए पर्दे में बंद जा रही हैं। आप तो बहुत खूबसूरत हैं। अरे कोई है, पकड़ लो इसे। ये भी अच्छा नहीं लगता इतनी भीड़ भाड़ में मिलना, मैं तन्हाई में मिलने आऊंगा। बदतमीज, कौन है ये?
आहिस्ता। कितनी बेदर्दी से मारा है मुंह ने, क्या जरूरत थी वहाँ जाने की। शल्लो हाँ? रानी कितने निशान है मेरी पीठ पर। बहुत। बस जितने निशान है कोड़ों के उतने ही उसके प्यार लूंगा मैं। प्यार? हाँ। किसके? राजकुमारी के? और नहीं तो के तेरे। अपने आपे मेरे, राजकुमारी का भाई विक्रम सिंह बहुत जालिम आदमी है। अगर कल तू वहाँ उसे मिलने गया तो तेरी गर्दन काट कर तेरी हथेली में रख देगा। अगर उस कमीने ने मेरी गर्दन काट दी तो राजकुमारी मेरा कटा हुआ सर अपनी गोद में रख के सती हो जाएगी। तू तो ऐसी बात करे जैसे तेरी उसकी शादी हो गई है। आधी तो हो गई है, मैंने उसे पसंद कर लिया, वो भी पसंद कर ली और पंडित ले जाकर शादी पक्की। अगर तू कल वहाँ गया तो जितने घाव तेरे जिस्म पे हैं उतने तेरे कलेजे तुझे। खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। अपने आपे में रह बेटा, क्यों महलों से टक्कर लेता है? कौन टक्कर लेता है माँ? उसके आदमी ने मुझे कोड़े मारे हैं। कोड़े नहीं मारे, उन्होंने तेरे शेर को ललकारा है माँ। और जब शेर घायल हो जाता है तो क्या करता है? अब मैं ये राजकुमारी को बता के रहूंगा। हा हा। अरे क्यों उसके लिए अपनी जान हलकान कर रही है शल्लो? सरजू, मेरी शादी अमर के साथ ही होगी समझे? अरे वो तेरे से शादी कहाँ करेगा, एक दिन उसकी ठोकर खाकर तो आएगी मेरे पास, इसलिए आज ही आ जा ना। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊंगी। मैं मरने दूंगा तब ना, जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। छोड़ मेरा हाथ। खबरदार सरजू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म किस बात की? शादी की बात कर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो ये कबीले का रिवाज है, कोई लड़की की मर्जी के बगैर उसे शादी नहीं कर सकता। और ये भी तो रिवाज है कि जब तक लड़की की शादी न हो जाए कोई भी उससे बात कर सकता है। जिस दिन तुम इससे शादी कर लेना उस दिन मुझे रोक लेना। मैं इससे शादी करूं या ना करूं, लेकिन जब तक इस कबीले का सरदार हूं मैं किसी को किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। चलो जाओ तुम। इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखल अंदाजी हरगिज हरगिज पसंद नहीं। इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सुना तुमने, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे। देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मुझे यही रखना चाहती है। क्या इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में? अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माता जी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है। बदतमीज। शुक्रिया। अजी सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखेगा, फिर आके ले जाऊंगा। मारो इसे। निकल गया, सिपाहियों से कह दो अगर वो अपनी जिंदगी चाहते हैं तो उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करें। हो सके तो जिंदा। राजकुमारी जी, आप सिपाहियों को क्यों तकलीफ देते हैं? वो तो अपने आप आएगा। चौक में आने का वादा कर गया था, आया ना, अब फिर आएगा कल पटका लेने। वादे का बड़ा पक्का है। चुप रहो।
मेरी गरम गोली, हट जा मेरे रास्ते से। भाड़ में गई तेरी गरम गोली, मिला है राजकुमारी से, पड़ गई कलेजे में ठंडक। बिल्कुल पड़ गई ठंडक, हाय ठंड पड़ गई। क्यों, उसकी क्या चार आंखें हैं, चार हाथ हैं, चार कान हैं, चार दिल हैं उसके? क्या? हाँ, एक दिल कहता है अमर मुझे छोड़ के मत जाओ, दूसरा कहता है अमर आओ मेरे सीने से लग जाओ, तीसरा कहता है बस बस तेरे दिमाग को तो जंग लग गया है, उसमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? क्या उसकी हीरे जैसी आंखें हैं, रेशम के बाल हैं, बात करती तो फूल झड़ते हैं। हाँ बिल्कुल फूल झड़ते हैं गुलाब के, और उसके जिस्म से चंदन की खुशबू आती है। अरे आज तो हम नहाए भी साथ थे। तू उसके साथ नहा कर आ रहा है? हाँ, वो क्या कहते हैं शाही हमाम में हम नहाए और देखो हमारे जिस्म से चंदन की खुशबू। मत हाथ लगा मुझे, पराए तालाब में नहाकर भ्रष्ट हो गया है, जब तक तू गंगा जल से स्नान नहीं करता तेरे बदन से बदबू नहीं जाएगी। अब तो हम नहाएंगे ही नहीं, जिंदगी भर नहीं नहाऊंगा, ताकि ये सोंधी सोंधी खुशबू, प्यारी प्यारी खुशबू हमारे बदन से चली ना जाए। मुझे तो लगता है तू पागल हो गया, चल मुझे घर छोड़ दे। नहीं, इस घोड़े पे अब तुम कभी नहीं बैठोगी, इस घोड़े पे अब वही बैठेंगी, उन्हीं को लेके जाऊंगा। ओए, तेरी शादी मुझसे होगी और मैं ही तेरे बच्चों की माँ बनूंगी, समझे? अभी हमारा पिताजी बनने का कोई ख्याल नहीं, छोड़ो मेरा चगा। हाय, रुड़ जानिए, मैं की करा, अच्छा भला था। राजकुमारी जी देखिए ना हमारी सेना का कमाल, तालाब में एक आदमी ने आपको छेड़ा और वो 10-20 पकड़ कर ले आया। चलिए उस बांके को, नहीं नहीं उस मुस्तंडे को पहचान लीजिए। इनमें से तो वो नहीं है। राजकुमारी जी फरमाती है इनमें अपराधी कोई नहीं है, इन सबको छोड़ दिया जाए, हुक्म हुआ है इन सबको छोड़ दिया जाए। ठहरो, हमारे हुजूर में जो एक बार गिरफ्तार होकर आता है बिना सजा पाए वापस नहीं जा सकता। मगर भैया इनका कोई दोष नहीं तो फिर सजा कैसी? गरीबों की आहों से डरना चाहिए। हुकूमत आहों के डर से नहीं तलवार के जोर पे की जाती, वरना सरकार का दबदबा खत्म हो जाता। तो ये है वो लोग जिन्होंने हमारे तालाब में आने की जुर्रत की थी। ये झूठ है महाराज, हम निर्दोष हैं, आपकी सेना हमें जबरदस्ती गांव से पकड़ के ले आई है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी सेना गुनाहगार और बेगुनाह में फर्क नहीं जानती, हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। आप अपनी सेना पे भरोसा करते हैं, अपनी प्रजा पे नहीं, यह इंसाफ नहीं है महाराज। तुम हमारे इंसाफ पे शक करते हो? नहीं महाराज, हम तो सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस आवाज से बगावत की बू आती है। सिपाही, इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। महाराज रहम, रहम महाराज रहम। और किसी को हमारे इंसाफ से शिकायत है? ले जाओ इन सबको और काल कोठरी में बंद कर दो, ताकि इनकी गुस्ताख आंखें सूरज की रोशनी के लिए तरस जाए। चलो, तलब, तलब। ये लोग किस गांव के हैं? गंगापुर के महाराज। जिस गांव के लोग इतने गुस्ताख हों, वो गांव कल से हमारी रियासत के नक्शे पे नहीं रहेगा। तामील हो,